सो दोस्तों मैं आया हूँ अभी अमरावती रोड पर। ये टी पॉइंट है अमरावती, जहाँ पर सब ये होटल्स वगैरह एम्बियंस वगैरह, यहाँ पर चल रही है ब्लास्टिंग। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उस वजह से सारा ट्रैफिक को जाम करके रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये सामने में जो एरिया है कवर किया हुआ, वहाँ पर धुआं धुआं हो रहा है पूरा। ब्लास्टिंग होके सारे जो पत्थर है वो रोड पर आ रहे हैं उड़ के। अब मैं गलती से उस साइड से इस साइड आ गया, मुझे वापस जाना है। मुझे रोक दिया गया है, यहाँ से परमिट नहीं कर रहे फिलहाल जाने के लिए। थोड़ा ये बंद होने के बाद ही मुझे मूव करना पड़ेगा। मैं निकला हुआ था सूरा बर्डी के लिए, घूमते घूमते थोड़ा दूर आ गया, टाइम था मेरे पास स्पेंड करने के लिए। तो घूमते घूमते एक्सपल्स का राइड करते करते पता ही नहीं चला। अब मुझे रिटर्न जाना है, यहाँ से 12 किलोमीटर सूरा बर्डी दिखा रहा है। देखिए कैसे दौड़ते हुए जा रहे भाई साहब, रोड पर पत्थर जो आ गए उसको सरकाने के लिए। तो दो ब्लास्टिंग होने के बाद यहाँ पर अभी रोड खोल दिया गया है, अभी ट्रैफिक मूव हो रहा है इधर से उधर। तो चलिए हम भी चलते फटाफट, पहुँचते सुराबर्डी। तो अभी मैं सुराबर्डी के पास आया हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ पोहे। ये वही वाला स्टॉल है जो हर बार देखता था मैं। तो अभी मैं सुराबर्डी पहुंच चुका हूँ। ये देखिए पूरा एरिया जो है मस्त सीनिक व्यू हो गया है यहाँ पर। मैंने तो यहाँ पर आकर गाड़ी भी बंद कर दिया है, मुझे गाड़ी का साउंड करना पसंद नहीं हो रहा है, इतनी नेचुरल जगह है। सो और ढलान भी है तो बिना चालू किए गाड़ी मैं उतार रहा हूँ नीचे। तो ये रहा वो आर्टिफिशियल बनाया हुआ स्पॉट सुराबर्डी, बहुत ही औसम जगह है पिकनिक के लिए, नागपुर से बहुत ही पास में है। और ये है इसका पार्किंग वाला एरिया। सो यहाँ आते आते अभी बारिश कम हो चुकी है, सूरज देवता के दर्शन हो गए हैं। सो मित्रों सुबह का समय है 7:45 बजने वाले, 7:30 लगभग कुछ हो गए हैं। और मैं आया हूँ अभी सुराबर्डी, ये जो स्पॉट है नागपुर के पास में वहाँ पर। तो मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स लोगों का जो कि OCR ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सो ऐसा कुछ सुबह का नज़ारा है यहाँ। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस से आपको अंदर जाते ही आपको बगीचा आर्टिफिशियल बनाया हुआ है सारी जगह मिल जाएंगी। ये पार्किंग एरिया है ये, और ये सामने शेड जो लगा है वो वाला। मैं ऐसे अपने एक्सपल्स के साथ आया था आज यहाँ थोड़ा टेस्ट करने के लिए कि गाड़ी कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा मुझे लग रहा है कि तकलीफ भी है गाड़ी में। अब देखते हैं अपना लद्दाख इस बार कैसे रहता है, कितना एडवेंचर, कितना थ्रिल और कितना सुखमय होता है। बारिश भी बहुत हो रही है सुबह से, मैंने रेनकोट पहना हुआ था, बीच रास्ते में गीला हो गया, रेनकोट पहनना पड़ा। और अभी थोड़ा सूरज दिख रहा है लेकिन फिर बारिश की बूंदें भी कहीं ना कहीं चालू हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया है लेकिन आज रेन गियर प्रॉपर होके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एकदम शांति है, बिल्कुल नैसर्गिक बिल्कुल वातावरण है यहाँ पर। कहीं पे चिड़िया की आवाज, कहीं पे मस्त आवाज है ना, ये आपको चिड़िया देखने मिलेंगी, ये पोल के ऊपर है शायद।
ये हवाई पट्टा भी है यहाँ पर, तो यहाँ से काफ़ी बार प्लेन नज़र आते हैं, जैसे कि अभी साउंड ये चल रहा है प्लेन। जैसे वो लोग फ्रेंड्स आएंगे, हम एक ड्रोन शूट करने वाले हैं, तो उसके बाद ड्रोन शूट होने के बाद मे बी कई और एक छोटा सा प्लान है, वो एग्जीक्यूट करने के बाद मैं घर चले जाऊंगा, क्योंकि वीडियो एडिट करना है किसी खास पर्पस से। तो स्टे ट्यून्ड।